आजकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का यूज हर जगह होने लगा है, यानी हॉस्पिटल्स में, शॉप्स में, ट्रैफिक में और बिजनेस में भी। ऐसे में अगर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग का प्रोसेस ना किया जाए तो ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, मनी लॉस हो सकता है और हेल्थ सेक्टर में डेथ जैसी केसेस भी हो सकते हैं। यानी एक एप्लीकेशन को बिना टेस्ट किए लॉन्च या डिलीवर करने से यूजर्स को कई स्मॉल और बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो क्या इसका मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टास्क है? जी हाँ, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दिए जाने का रीजन ये है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग्स या एरर्स हो तो उन्हें जल्दी ही आइडेंटिफाई किया जा सके और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले उसे सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि प्रॉपरली टेस्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और हाई परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं। और इसमें टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी इंक्रीज होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये चेक करने का मेथड है कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री है या नहीं। इसका बेसिक गोल होता है सॉफ्टवेयर में से बग्स को एलिमिनेट करना और उसकी परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी जैसे एस्पेक्ट्स को एनहेंस करना। और इस तरह की गई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर की ओवरऑल क्वालिटी को सुधारा जा सकता है, जिससे ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है। वैसे कि आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है? सॉफ्टवेयर टेस्टर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को समझता है, टेस्ट केसेस को क्रिएट करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, बग्स की रिपोर्टिंग और रीटेस्टिंग करता है, रिव्यू मीटिंग्स अटेंड करता है और अदर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में भी पार्ट लेता है। अब अगर आपको भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है तो इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को अच्छी तरीके से समझ लेना फायदेमंद रहेगा, इसलिए आगे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को दो स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन उन टास्क के सेट को रेफर करता है जो ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक फंक्शन को सही से इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वैलिडेशन टास्क के ऐसे डिफरेंट सेट्स को रेफर करता है जो इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्रेस करने लायक है। यानी अगर वेरिफिकेशन ये बताता है कि क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं, तो वैलिडेशन का मतलब होगा कि क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। आई होप आप इस डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स की, जिन्हें अक्सर दो तरीके से बांटा जाता है। पहला है इसके दो टाइप्स मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग माने जाते हैं, और दूसरा फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और मेंटेनेंस टेस्टिंग भी इसके दो टाइप्स माने जाते हैं। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहले मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग टाइप्स के बारे में जानते हैं। मैनुअल टेस्टिंग में मैनुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना होता है, यानी किसी ऑटोमेटेड टूल के बिना टेस्टिंग करना। इसकी कई स्टेजेस में यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग शामिल होती हैं। और ऑटोमेशन टेस्टिंग, जिसे टेस्ट ऑटोमेशन भी कहा जाता है, उसमें टेस्टर स्क्रिप्ट्स लिखता है और दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। और अब बात करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और मेंटेनेंस टेस्टिंग के टाइप की। सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फंक्शनल एस्पेक्ट्स की टेस्टिंग आती है। जब आप फंक्शनल टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको हर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना होगा और ये देखना होगा कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं। फंक्शनल टेस्टिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और इंटरफेस टेस्टिंग। ये फंक्शनल टेस्ट मैनुअली और ऑटोमेशन टूल्स से किए जाते हैं। ऐसे कुछ टूल्स जिनका यूज फंक्शनल टेस्टिंग में किया जा सकता है वो हैं माइक्रो फोकस UFT, सेलिनियम, जे यूनिट, सोप UI, वाटियर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की। ये एक एप्लीकेशन के नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स जैसे कि परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा की टेस्टिंग होती है। ये टेस्ट फंक्शनल टेस्ट के बाद परफॉर्म किए जाते हैं। इस तरह की टेस्टिंग के जरिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। ये टेस्ट मैनुअली रन नहीं करते हैं बल्कि टूल्स के जरिए एग्जीक्यूट होते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, फेलओवर टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग,
यूजेबिलिटी टेस्टिंग, स्कालेबिलिटी टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, मेंटेबिलिटी टेस्टिंग, कंप्लायंस टेस्टिंग, एफिशिएंसी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, एंड्यूरेंस टेस्टिंग, डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग, लोकलाइजेशन टेस्टिंग और इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग एक्सेट्रा। और अब थर्ड टाइप में आता है मेंटेनेंस टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर के रिलीज से पहले तो उसकी टेस्टिंग होती ही है, लेकिन उसके रिलीज के बाद भी उसकी टेस्टिंग जरूरी होती है, और सॉफ्टवेयर के रिलीज के बाद उसकी टेस्टिंग होना मेंटेनेंस टेस्टिंग कहलाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, कॉन्फर्मेशन टेस्टिंग जिसमें मॉडिफाइड फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग होती है, और रिग्रेशन टेस्टिंग जिसमें एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग आती है। अब इन टाइप्स के बाद आपको बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूं तो बहुत तरह की होती है, यानी 100 से भी ज्यादा तरह की टेस्टिंग हुआ करती है, जिन्हें एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम 10 मोस्ट कॉमन टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। नंबर एक पर है यूनिट टेस्टिंग। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस का वो लेवल है जिसमें सॉफ्टवेयर या सिस्टम के इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स टेस्ट किए जाते हैं। इसका पर्पस ये कंफर्म करना होता है कि सॉफ्टवेयर की हर यूनिट डिजाइन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है। नंबर दो पर है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस का वो लेवल है जिसमें इंडिविजुअल यूनिट्स कंबाइन हो जाती हैं और उन्हें एक ग्रुप की तरह टेस्ट किया जाता है। इसका पर्पस इंटीग्रेटेड यूनिट्स के इंटरैक्शन में फॉल्स को एक्सपोज करना होता है। नंबर तीन पर है सिस्टम टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस के इस लेवल में एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम या सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का पर्पस स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के साथ सिस्टम कंप्लायंस को इवेल्युएट करना है। नंबर चार पर है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस का वो लेवल है जहाँ पर सिस्टम को एक्सेप्टेबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। इसका पर्पस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ सिस्टम कंप्लायंस को इवेल्युएट करना है और ये अनुमान लगाना है कि क्या ये डिलीवरी के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। नंबर पांच पर है एंड टू एंड टेस्टिंग। ये पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम की फंक्शनल टेस्टिंग होती है, और जब आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करते हैं तो ऐसी टेस्टिंग एंड टू एंड टेस्टिंग कहलाती है। नंबर छह, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस की टेस्टिंग आती है, और इसका पर्पस ये चेक करना होता है कि क्या यूजर इंटरफेसेस रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं या नहीं। नंबर सात पर है अल्फा टेस्टिंग। ये टेस्टिंग पूरे सॉफ्टवेयर में एरर्स और इश्यूज का पता लगाती है। ये टेस्ट ऐप डेवलपमेंट की लास्ट फेज पर होता है और प्रोडक्ट लॉन्च से पहले या क्लाइंट को डिलीवरी देने से पहले किया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि यूजर या क्लाइंट को एरर फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिले। नंबर आठ पर है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के बाद बीटा टेस्टिंग की जाती है, और ये भी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ही होती है। इसे एक रियल यूजर एनवायरनमेंट में किया जाता है जिसमें कुछ रियल कस्टमर्स या यूजर्स होते हैं, ताकि ये कंफर्म हो सके कि सॉफ्टवेयर पूरे तरीके से एरर फ्री है और स्मूथली फंक्शन कर रहा है। यूजर्स के फीडबैक के बेस पर सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करके उसे बेटर बनाया जाता है। नंबर 9 पर आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये ऐसी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें सिस्टम के इंटरनल मैकेनिज्म को इग्नोर करके आउटपुट पर फोकस किया जाता है। इसमें टेस्टर आउटपुट के वैलिडेशन से कंसर्न होता है, ना कि इससे कि आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हुआ। इसके लिए टेस्टर के पास प्रोग्रामिंग या इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग की नॉलेज जरूरी नहीं होती है। ये मेनली हायर लेवल टेस्टिंग में एप्लीकेबल होता है। नंबर 10 पर है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इस तरह की टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन कोड की अच्छी समझ जरूरी होती है, और ऐप के इंटरनल लॉजिक की भी। इसमें टेस्टर सॉफ्टवेयर सिस्टम की इनर वर्किंग्स को इंस्पेक्ट और वेरीफाई करता है, जिनमें कोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन शामिल है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस के स्टेप्स की बात करें तो नंबर एक पर है टेस्ट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। नंबर दो पर टेस्ट प्लान एंड एनालिसिस। नंबर तीन टेस्ट डिजाइन। नंबर चार टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। नंबर पाँच डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। और नंबर छह पर है टेस्ट क्लोजर। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा, जो आपके लिए काफी मददगार रहेगा। वैसे कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर बताइएगा कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा,
और आगे कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपना सवाल हमें लिखकर भेजिए। बाकी वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है, तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसे सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।